नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल फार्मेसी हिंदी पे, जहां मिलेगी आपको दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी केवल हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम आपको विटामिन बी 12, आयरन और फोलिक एसिड के एक ऐसे हेमेटेनिक सिरप के बारे में बताएंगे जो खून की कमी में तुरंत ही असर दिखाना शुरू कर देता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे इस सिरप को आप कैसे लें, कब लें, क्या क्या इसके फायदे नुकसान है, क्या इसका कंपोजिशन रहता है, इसे लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या इसकी कीमत रहती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। इसके अंदर होता है अमोनियम सिट्रेट, साइनोकोबालामिन और फोलिक एसिड। अब बात करते हैं इसके यूजेज की, इसको कब कब यूज किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से एनीमिया की डिफिशेंसी में दिया जाता है, यानी कि खून की कमी में यह दिया जाता है। खून की कमी चाहे पोस्ट ऑपरेटिव केस में हो या किसी ट्रोमेटिक केस के कारण हो, यानी कि कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, इन सब की वजह से हो या शरीर की कमजोरी की वजह से हो, यह वेट गेन करने में भी दिया जाता है। किसी में कम वजन है, दुबला पतला है, उसके गाल पिचके हुए हैं, तो उसमें यह दिया जा सकता है। इसको लेने के बाद एक बार वजन बढ़ जाए तो दोबारा आसानी से नहीं घटता है। इसको प्रेगनेंसी में या कोई वोमेन प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, उसको खून की कमी है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। इसको पेप्टिक अल्सर या पाइल्स में हैवी ब्लीडिंग हो जाए उसमें भी दिया जा सकता है। किसी को उठने बैठने में अंधेरी आती है, उस व्यक्ति को भी यह सिरप प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर किसी फीमेल को पीरियड्स में ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो उसे भी यह सिरप दिया जाता है। साथ ही विटामिन बी 12 की डिफिशेंसी, फोलिक एसिड की डिफिशेंसी में भी यह सिरप दिया जाता है। यह सिरप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या कोई ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है, उसको खून की कमी है, उसको भी दिया जाता है। अब बात करते हैं इस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस सिरप को डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए। इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। इस सिरप को बच्चों की रीत से दूर रखना चाहिए। साथ ही इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे के तापमान पर रखना चाहिए। इस सिरप को शुरू करने के बाद निश्चित समय पर ही लेना चाहिए, यानी कि इसको आपने आज सुबह से स्टार्ट किया है तो इसको डेली सुबह के समय पर ही लें। अब बात करते हैं इस सिरप के डोज की। डोज को डॉक्टर बॉडी वेट, एज या सेक्स यानी मेल या फीमेल है, यह सब देख के डिसाइड करता है। लेकिन इसकी आमतौर पर डोज होती है 15 ml दिन में एक बार खाने के बाद लेना चाहिए। और किसी को अगर डेफिशिएंसी है, एनीमिया है यानी खून की कमी है, तो उसे यह खाने से एक घंटा पहले भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उल्टी आना, मतली होना, डायरिया हो जाना, या किसी किसी को स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, पिंपल्स या स्वेलिंग हो जाना, या यूरिन का कलर चेंज हो जाना, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जो कि ह्यूमन एनाटॉमी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इस सिरप का MRP रहता है 174-75 रुपये। यह आपको 150-160 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन मिल जाएगी। हमने कोशिश की आपको इस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।